ये सजना का लफ्ज चार दफा इस्तेमाल हुआ है अब इसमें जो मुझे समझ आई है मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बुजुर्गों का कलाम है तो तीन दफा जो सजना है ये महबूब है माही ढोल और आखिरी वाला जो है ना वो सवर्ण है सजना सवर्ण अब से समाप्त कीजिए आ सजना जे तू सजना बिन सजना की सजना बिन सजना की सजना जिन्ना मेरा माही डिठया ओ नारजिया नारजना कख सवाद ना सारी रात हो गई है मैं भी नहीं थक रहा तो आप भी नहीं थक रहे सिलसिला ये चला हुआ तक 11:30 तक अभी तक ब्रेक नहीं लगी बीच में बड़ी बात कख सवाद ना मिस्री अंदर खंडा भी चख डिठिया ऐना सारिया चीजा नालों गल्ला सजन दिया मिठिया जो पहला मिसरा है वो दावा है दूसरी उसकी दलील है अपने दावे की पहले दावा करते हैं फिर उसी को दलील पेश कर देते हैं क्या बात लोका मैनू आन डराया ते रात कबर दी काली मैं सुनया उथे उसने आउणा जिदे मोडे कमली काली रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू तांग सजन दी सुत्या आन जगावे दर्द मंदानू तांग सजन दी इंतजार सजन का दोबारा सजन को मनाना है रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे जो दर्दमंद नहीं है जो दर्द से खाली लोग हैं वो जब रात आती है तो उनको मीठी नींद आ जाती है वो ऐसा सोते हैं कि सोते रह जाते हैं लेकिन जो दर्दमंद हैं जिनको पिया से मिलने की लगन है उनको नींद ही नहीं सोने देती रात पवे ते बेदर्दानू नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू तांग सजन दे सुत्यान जगावे कल्ला हथ तो नहीं सकदा अकेला हाथ नहीं धो सकता अकेला हाथ तो नहीं सकदा एक दूजे नूं धोंदा पाइयां बाज मुहम्मद बख्शा पिछे कोई नहीं आउंदा ये समझा दूसरा वाला समझा ये पंदो नसा है ये नहीं नात नहीं है यानी कि जैसे नसीहत के लिए अल्फाज होते हैं ना ये नसीहत के लिए कि भाइयों के अलावा पीछे कोई नहीं आता जैसे अकेला हाथ दूसरे हाथ को नहीं धो सकता इसी तरह अगर कोई मुश्किल में आ जाए तो भाइयों के अलावा कोई और पीछे नहीं आता।